तनीषा मुखर्जी के एक्स बॉयफ्रेंड अरमान कोहली पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अगर नहीं दिए एक्स गर्लफ्रेंड के पैसे तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा। इससे पहले भी कई बार सलाखों के पीछे जा चुके हैं एक्टर। बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम अरमान कोहली अपनी प्रोफेशनल वर्क फ्रेंड को लेकर कम और अपने विवादों को लेकर ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। बात चाहे उनके ड्रग्स कंज्यूम करने की हो, अवैध शराब को अपने घर पर रखने की हो या फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने की हो, उन पर ऐसे कई तमाम केसेस कोर्ट में चल रहे हैं जिन केसेस को लेकर वो कई बार सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। लेकिन अब एक्टर अरमान कोहली को लेकर एक और ऐसी खबर आ रही है की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल ये मामला साल 2018 का है जब अरमान कोहली की एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने उन पर संगीन आरोप लगाए थे। नीरू और अरमान उस वक्त रिलेशनशिप में थे। दोनों मुंबई के सांता क्रूज फ्लैट में साथ ही में रहते थे। फिर एक दिन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी जिसके बाद अरमान ने उन पर हमला कर दिया था। अरमान ने नीरू को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। वहीं नीरू के 15 टाके भी लगे थे। उसके बाद नीरू ने अरमान पर FIR दर्ज करवाई और फिर अरमान कोहली को IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अदालत ने अरमान कोहली को एफिडेविट जमा करने को कहा था। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और नीरू को 50 लाख रुपए देंगे, तभी उन्हें इस केस से जमानत मिलेगी। हालांकि अरमान ने अब तक नीरू को 50 लाख रुपए नहीं दिए हैं। ऐसे में नीरू ने अब दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद हाल ही में मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्स गर्लफ्रेंड को पीटने वाले मामले पर अरमान कोहली को दो ऑप्शन दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि या तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू को पैसे दे या फिर जेल जाए। फिलहाल इस मामले पर अरमान कोहली का रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि अदालत ने एक्टर के वकील को 18 जुलाई तक का टाइम दिया है कि वो अपना ऑप्शन चुन ले और वो क्या चाहते हैं वो बता दे। गौरतलब है कि इससे पहले भी अरमान कोहली का नाम कई बार विवादों में घिर चुका है। साल 2021 में एक्टर अरमान कोहली को NCB ने ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए गिरफ्तार किया था। इससे पहले साल 2019 में भी उन्हें पुलिस ने घर में अवैध शराब की बोतल रखने को लेकर गिरफ्तार किया था। इन सब के अलावा अरमान कोहली काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। तनीषा मुखर्जी जब बिग बॉस के घर का हिस्सा बनी थी तो उनके और अरमान कोहली के प्यार के किस्से किसी से छिप नहीं पाए थे। बिग बॉस सीजन 7 में तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों को हर पल एक साथ समय बिताते हुए देखा गया था। दोनों के बात करने के तरीके से दर्शकों को लगने लगा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। शो खत्म होने के बाद ये दोनों कई अवार्ड फंक्शन में भी साथ नजर आए। हालांकि बाद में खबर आई कि उनका ब्रेकअप हो गया, जिसका कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। हालांकि अरमान का तनीषा मुखर्जी के साथ ब्रेकअप की वजह लोग उनके एग्रेसिव नेचर को मानते हैं।